Vayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के व्याख्यान संख्या 10 में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का जिसको हम वेतन एवं वेतन प्रशासन के नाम से जानते हैं चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके विषय में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिचय से वेज और वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या परिचय है उसके बाद हम बात करेंगे वेतन और वेतन प्रशासन के सिद्धांत इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए उस विषय में हम आगे बात करेंगे असेंशियल्स ऑफ साउंड वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जब भी हम संस्थान के लिए सैलरी डिटरमाइन करते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ऐसी क्या ज़रूरत है असेंशियल्स और साउंड सिस्टम की हमें ज़रूरत है जो हमें समझने में मदद मिलेगी आज के इस व्याख्यान से वेतन और वेतन प्रशासन को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स को हम बात करेंगे वेतन भुगतान के तरीके क्या हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं जनरली हम इसमें तीन मेथड्स की बात करते हैं टाइम वेज पीस वेज एंड मिक्स जिसको कि हम बैलेंस डेबिट uh, के नाम से जानते हैं वेतन निर्धारण की प्रक्रिया क्या है क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको डिटरमाइन करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज का व्याख्यान पढ़ने के बाद आपको क्या क्या उद्देश्य पूरे होंगे इस व्याख्यान के कंप्लीशन पे आपको समझ में आएगा कि वेज एंड सैलरी डिटर्मिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है और ये संगठन में क्यों ज़रूरी है हमें करना दूसरा आप सीख पाएंगे वेतन और वेतन प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में इसके साथ ही आप जान पाएंगे क्या ज़रूरतें हैं एक साउंड कंपनसेशन सिस्टम को बनाने के लिए क्या रिक्विजिट्स हैं प्री रिक्विजिट्स हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके साथ ही आप जान पाएंगे किसी संगठन में वेतन और वेतन निर्धारण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को वेतन भुगतान के तरीके को विस्तार से आप जान सकेंगे और जान सकेंगे किसी संगठन में वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है कैसे हम डिटरमाइन करते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है वेतन हम कैसे डिसाइड करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के परिचय से इंट्रोडक्शन से वेतन और वेतन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कि हम निर्धारण कह रहे हैं ये किसी भी संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको बहुत ध्यान से संगठन को करना होता है क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कर्मचारियों को अपने कार्य का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है बहुत हद तक ये जॉब्स रिक्रूटर को हेल्प करते हैं एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने में उनको ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने में तो जानते हैं वेजेस और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको बहुत ध्यान से किया जाता है किसी भी संगठन के द्वारा क्योंकि ये किसी भी कर्मचारी के मोरल को उसके मोटिवेशन को उसके प्रोडक्टिविटी को और उसका रिलेशनशिप कैसा होगा किसी भी संगठन के साथ उसको ये निर्धारित करने में मदद करता है एक अच्छा वेतन और वेतन प्रशासन कर्मचारियों को आकर्षित करने में मदद करता है अगर आपका संगठन अच्छा वेतन देता है अपने कर्मचारियों को तो आपके जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉज़ हैं उनको आप अट्रैक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट में भी एक बहुत हद तक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके यहाँ पर जो लोग अप्लाई करते हैं वैकेंसीज़ के लिए जो रिक्तियाँ होती हैं आपकी उसमें आप किस प्रकार से अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं इसमें ये बहुत हद तक मदद करता है आकर्षित करने में और बनाए रखने में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्मचारियों को बनाए रखें क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिशन है उसमें अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के पास यही एक तरीका है जिसमें वो अट्रैक्ट करते हैं आपके बेस्ट टैलेंट को अगर आप उन्हें अच्छा वेतन दे रहे हैं और वो संतुष्ट हैं अपनी नौकरियों से तो आपके संगठन को वो छोड़ के नहीं जाएंगे और लंबे समय तक आपके साथ बने रहेंगे तो गुड वेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एबल टू अट्रैक्ट एज वेल एज रिटेन एम्प्लॉयज गिव देम फेयर डील एंड कीप दी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेटिव एंड मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म दी बेस्ट उनको प्रेरित करता है कि वो अपना बेहतर से बेहतर दें क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा एम्प्लॉय का मुरैल भी बढ़ रहा है और वो मोटिवेट भी हो रहा है इसके आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की कोई भी संगठन जन वेतन और वेतन प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा और उनको ध्यान में रखते ही हुए ही हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एक डेफिनाइट प्लान की ये सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित योजना और प्रणाली होनी चाहिए कि नौकरियों के लिए वेतन में अंतर नौकरियों की आवश्यकताओं में विभिन्नता पर आधारित हो जिसका अर्थ है कि संगठन में वेतन और वेतन के वितरण में समानता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी देते हैं या जो वेजेस आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं उसमें इक्वालिटी हो आप पद के हिसाब से उसकी जो जॉब है उसकी कार्य के अंतर के हिसाब से उसके वेतन में अंतर करते हैं और आमूमन सामान्य कार्यों का जो वेतन है वो एक जैसा होता है ताकि वो इक्वालिटी मेंटेन करने में आपको मदद करे तो इसमें हमने क्या कहा कि पहला सिद्धांत है कि आपको पहले जॉब रिक्वायरमेंट समझनी होगी कि वो कार्य किस प्रकार सा है और उस प्रकार से ही आप वेतन का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे दूसरा इसमें आपको वेतन बाजार में प्रतिस्पर्धा धर्मक कराए रखने का मतलब है कि वेतन और वेतन का सामान्य स्तर बाजार में प्रचलित स्तर के अनुरूप होना चाहिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए जो वेज मार्केट है किसी भी जो वेज मार्केट है आपके सरकार ने जो नियम लागू कर रखे हैं जो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा एक वेज रेट चल रहा है गोइंग रेट है उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि प्रिवेलिंग मार्केट में अमूमा तौर पे लोग कितना वेतन दे रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको ध्यान में रखते हुए अपने वेजेस का डिटर्मिनेशन करते हैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आपके कर्मचारियों की उपेक्षा को पूरा करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करके अनुचित भेदभाव से बचना चाहिए आप अपने कम्प्लॉयज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कभी भी जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पर आप इंप्लाय के एक्सपेक्टेशन को हमेशा पूछते हैं ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सकें और डिस्क्रिमिनेट कर सकें बाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो हमें इस प्रिंसिपल को भी बहुत हद तक ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इस तरह से लोगों का वेतन डिटरमाइन करना है कि अगर एक जैसा कार्य है तो उसका हम एक जैसा वेतन दें ताकि इम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहें इसके अलावा री पॉजिटिव एम्प्लॉय बिहेवियर and contributing to the organization differences in the compensation package should be based on contribution their productivity their job performance as well as their achievement to so, वेतन का एडमिनिस्ट्रेशन आप इस भी तरीके से कर सकते हैं आपके जो कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनका contribution क्या है भागीदारी कैसी है संगठन में कितना वो प्रोडक्टिव हैं उनकी जॉब की परफॉर्मेंस कैसी है कार्य किस प्रकार से वो कर रहे हैं और क्या-क्या चीजें उन्होंने अभी तक हासिल करी हैं तो आप इसको भी ध्यान में रखते हुए वेज का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके अलावा डिवाइसिंग अ सिस्टम दैट इज़ मोस्ट एफिशियंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज पॉसिबल इट मस्ट एलिमिनेट एनी डिस्कप्रेंसीज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दी इम्प्लॉई जितना संभव हो सके आप अपने वेतन को जब एडमिनिस्ट्रेशन करें तो इस इसको ध्यान में रखते हुए करें कि उनके बीच में कोई डिस्कप्रेंसी ना हो कोई ग्रीवियांज ना हो कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी इम्प्लॉय के साथ कि उसे आप कार्य ज्यादा ऊंचे स्तर का करा रहे हैं और उसको वेतन आप उस हिसाब से ना दे रहे हों इसके अलावा दी कंपनसेशन शुड ऑल्सो फॉर्मुलेट एंड डिफाइन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डिटरमाइनिंग चेंज एडजस्टिंग वेजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है वो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो कंपनसेशन आप दे रहे हैं जो मुआवजा प्रणाली को संगठन में वेतन के निर्धारण परिवर्तन समायोजन के लिए नियम और विनम्र तैयार से प्रभाषित करना चाहिए उनको ये देखना चाहिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आ रहा है कोई एडजस्टिंग वेजेस हो रही हैं तो उस टाइम पे आप वेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे वो आप ध्यान में रखते हैं इसके अलावा दी कम्पन्शन पैकेज मस्ट इन्श्योर फेयरनेस आप जो भी कम्पन्शन पैकेज तैयार कर रहे हैं या जो भी आपने वेतन सोचा है अपने कर्मचारियों को देने के लिए उसमें फेयरनेस होनी चाहिए आप कोई ट्रांसपेरेंसी बना के रखें उसमें सुनिश्चित करें कि कर्मचारी और नियुक्त के बीच समाज पूर्वक संबंध बनाए रखना चाहिए एक हार्मोनल रिलेशनशिप मैंटेन हो इम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के बीच में इस बात को लेके कहीं कोई आ, आपस में अनबन ना रहे कंपनसेशन शुड बी फ्लैक्सिबल इनफ सो दैट फ्यूचर चेंजेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड अपने वेतन को और वेतन के एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रकार से रखिए क्योंकि आप फ्यूचर में भी आ, कोई चेंज करना चाहें जैसा कि हम जानते हैं इस बदलाव बदलते दौर में बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं तो उसको इतना फ्लैक्सिबल रखिए ताकि आपको बाद में उसमें कोई बदलाव लाना हो तो वो आप ला सकें वेतन और वेतन प्रशासन को कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए विधायक द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों को ध्यान में रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए जब हम इसको करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशनस हैं और जो एम्प्लॉइज़ के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम उसको सही तरीके से निर्धारित कर सकें प्रबंधन और कर्मचारी हित का अनुकूल बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई इंटरेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कार्य कर रहे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें ऑप्टिमाइज ऑप्टिमम यू, यू, यूसेज हो उसका तो ही आप उसका सही तरीके से निर्माण कर पाएंगे तो ये कुछ सिद्धांत थे कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम वेतन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि, कि किस प्रकार से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कर्मचारियों का वेतन डिसाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए ऐसे ही नहीं कि हमने दिखा और इस जॉब के लिए हम इतना वेतन देने के लिए तैयार हैं उसको तैयार उसको देने के लिए उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके अलावा जो साउंड यू नो असेंशियल ऑफ साउंड वेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है रैशनल जॉब एनालिसिस करना है बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी वेतन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपका कार्य कैसा है कार्य विश्लेषण जिसे हम कहते हैं ये आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके करने से आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफ़िकेशन निकाल पाते हैं जो आपको बताता है इस कार्य के क्या रोल्स हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज़ हैं उसको किस प्रकार से कार्य करना होगा उसको अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे उसको अगर आप नहीं जानेंगे तो बड़ा ही मुश्किल होगा आपके लिए वेतन को डिटरमाइन करना तो कार्य का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको मालूम होना चाहिए उसके लिए कार्य करने के लिए कैसे एम्प्लॉय की आप रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं आपका जो एम्प्लॉई है उसकी स्किल्स कैसे होने चाहिए उसकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए उसका अनुभव कैसा होना चाहिए अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप बहुत हद तक उसकी रिलेटिव वर्थ समझ पाएंगे और उसके हिसाब से आप उसका वेतन बना पाएंगे इसके अलावा प्रॉपर जॉब इवैल्यूएशन होना चाहिए जॉब की रिलेटिव वर्थ जानने को हम कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन ये जो जॉब है हमारे संगठन में हमारे आ, संस्थान में क्या वैल्यू रखता है उसकी रिलेटिव वर्थ क्या है उसको आप जान लेंगे तो आप सही तरीके से वेज एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे इसके अलावा इन डेप्थ नॉलेज अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट फोर्सेस बहुत ज़रूरी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आपको पूरी जानकारी हो आप किस स्थिति में है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेज है वो कैसा है आप डेवलपिंग स्टेज में है आप डेवलप स्टेज में हैं किस तरह की की रिक्वायरमेंट है आपके संगठन की और इस समय मार्केट फोर्सेस क्या कहते हैं मार्केट फोर्सेस जो हमारे डिमांड और सप्लाई से चलते हैं लेबर की इस समय सप्लाई कैसी है उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में उसको भी हमें बहुत हद तक ध्यान में रखना होगा क्योंकि अगर इस तरीके की स्किल्स जो हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कराने के लिए और मार्केट में अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमें उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तभी हम उसको रिक्रूट कर पाएंगे या अपनी संगठन के प्रति अट्रैक्ट कर पाएंगे और अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो हम उसका वेतन कर भी कम भी रख सकते हैं क्योंकि जब वो स्किल्स अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है तो आप कम वेतन पे भी लोग कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं इसके अलावा क्लैरिटी ऑफ पर्पस क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज ऑफ वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वेतन और वेतन प्रशासन के उद्देश्य या उद्देश्यों की स्पष्टा होनी चाहिए किस लिए आप आ, ये वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है आप किस तरीके के एम्प्लॉज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप एम्प्लॉज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं उनके मुराल को बढ़ाना चाहते हैं उनके जॉब सेटिस्फेक्शन को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं किस उद्देश्य से आप ये वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी होना बहुत हद तक ज़रूरी है तो एक साउंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर जब हम चर्चा करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों की बहुत हद तक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसमें हमने कहा कि रेशनल जॉब एनालिसिस करेंगे आप कार्य विश्लेषण करेंगे उचित कार्य का मूल्यांकन करेंगे किसी संगठन और बाजार कारकों के बारे में गहन ज्ञान होना चाहिए आपको और वेतन और वेतन प्रशासन के उद्देश्यों या उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स की वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है या क्या आ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको इम्पैक्ट करती हैं इसमें सबसे पहले हमने कहा जैसे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स ऑफ लेबर उसकी उस तरीके की स्किल्स जो हैं वो मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल हैं उनकी डिमांड एंड सप्लाई क्या है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी क्या है एक संगठन की क्या क्षमता है पे कर पाने की वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स और गोइंग रेट क्या है मार्केट में इस समय मार्केट में जो रेट है वो क्या चल रहा है आमून तौर पे हम इस तरीके के स्किल्स के लिए किस आ, कितना पैसा हमको देना चाहिए या आसपास के लोग या कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से उसको पे कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी कैसी है लेबर की कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है उस जगह की उस पर भी ये निर्धारित होता है ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग पावर जो ट्रेड यूनियन बने होते हैं जो संगठन में आपके यूनियंस बने होते हैं उनकी बारगेनिंग पावर कैसी है उनकी पोजीशन कैसी है स्ट्रॉन्ग है या वीक है उस पर भी बहुत हद तक आपके जो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है जॉब रिक्वायरमेंट कैसी है मैनेजमेंट का एटीट्यूड किस प्रकार का है वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करता है या उनके वेजेज़ एंड सैलरी को किस तरह से वो काउंट करता है साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स क्या हैं और लीगल कंसिड्रेशन क्या है लीगल कंसिड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा जो एक्ट्स दिए हुए हैं उनको आपको स्टडी करना होगा और उसी के हिसाब से आप अपने वेजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं तो चलिए इन फैक्टर्स को एक एक करके पूरा विस्तार में हम समझने की कोशिश करते हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मांग और आपूर्ति की मांग और आपूर्ति दो ऐसी चीज़ें हैं जो जो डिसाइड करती हैं किसी भी चीज़ के प्राइस को ठीक है तो मार्केट के ये फोर्सेस हैं किसी भी चीज़ का जब हमें प्राइस डिटर्मिनेशन करना हो चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो लेबर हो तो अभी जब हम बात कर रहे हैं वो हम वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तोमून तौर पर उसका जो प्राइस है वो हमेशा बढ़ जाता है और इसी के अतिरिक्त अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में और उसकी डिमांड अगर कम है तो डेफ़िनेटली आप उसको कम पैसे में भी परचेज़ कर सकते हैं तो श्रम की मांग और आपूर्ति तथा उसकी उपलब्धता का मजदूरी दरों के निर्धारण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ठीक है तो मार्केट में लेबर की डिमांड और सप्लाई किस प्रकार से है उससे बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किस प्रकार के उसे प्राइसेस डिटरमाइन करेंगे जैसे मैंने कहा यदि श्रम की कमी है तो महंग मांगी हुई मजदूरी अधिक होगी दूसरी ओर यदि श्रम प्रचुर मात्रा में है तो श्रम कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए भी इच्छुक होंगे क्योंकि उनकी सप्लाई ज़्यादा है उनको उस तरीके से जॉब अवेलेबल नहीं हो रही हैं तो वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे इसके अलावा जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे संगठन की भुगतान करने की क्षमता कैसी है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैपेसिटी कैसी है पे करने की किसी भी संगठन की वित्तीय स्थिति और स्तर तक उसे आकर्षक मुआवजा पैकेज देने की स्थिति में ला सकती है तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसी है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो आज के टाइम पर यही कर रहा है अगर उसको टैलेंट चाहिए अपने यहाँ पर और अब वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर कर्मचारी को मैं अपने संगठन के साथ जोड़ूँ तो उनकी फाइनेंशियल पोजिशन अगर अच्छी है तो वो बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहते हैं तो फाइनेंशियल पोजिशन और साउंडनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन पुट इट इन इना पोजीशन टू ऑफर अट्रैक्टिव कम्पनसेशन पैकेजेस और जितना बेहतर कम्पनसेशन पैकेज आप किसी भी कर्मचारी को देते हैं उतना बेहतर टैलेंट उस तरफ अट्रैक्ट होता है सम ऑफ दी रेपूटेड इकोनॉमिकली साउंड ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफरिंग गुड पैकेजेस एंड देयर बाय सक्सेस इन ऑप्टेनिंग एंड मैंटेनिंग टैलेंटेड वर्क इसीलिए बहुत सारे संगठन जो इकोनॉमिकली साउंड है फिनेंशियली साउंड हैं वो अपने संगठन में कर्मचारियों को एक अच्छा वेतन देते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे कर्मचारियों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं और उनको संगठन में लंबे समय तक जोड़े रखने में भी सफलता प्राप्त करते हैं अच्छा मुआवजा पैकेज किसी संगठन की गुणवत्ता प्रतिभा और आकर्षक करने में और बनाए रखने में मदद करता है जैसा कि हमने कहा कि एक अच्छा कंपनसेशन पैकेज लोगों को अट्रैक्ट करने में आकर्षित करने में और उनको आपके संगठन से जोड़े रखने में बहुत हद तक मदद करता है तो आप किस तरीके से वेतन देना चाहते हैं आपकी एबिलिटी कितनी है देना चाहना और एबिलिटी दोनों होना में अंतर है तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन साउंड है फिनेंशियली और इकोनॉमिकली तो आप इसका फायदा उठा के बढ़िया कर्मचारी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आकर्षित कर सकते हैं इसके अलावा आपका जो प्रचलित बाजार दर या चलित मजदूरी दर है जिसको हम कहते हैं जो मार्केट में रेट चल रहा है उसको आपको बहुत हद तक कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि मिनिमम आपको उतना देना ही देना है अगर आप उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो बहुत ही बेहतर बात है जिसमें कि आपकी एबिलिटी अच्छी होगी लेकिन मार्केट में जो प्रिवेलिंग रेट हैं उनको आपको कंसिडर करना ही होगा अन्यथा आप अच्छे टैलेंट को अच्छे कर्मचारी को अपने संगठन के प्रति आकर्षित नहीं कर पाएंगे तो प्रचलित बाज़ार दर को मजदूरी की सबसे तुलनीय दर के रूप में भी जाना जाता है और मजदूरी दर निर्धारित के लिए सबसे लोकप्रिय तरीका है खासकर निचले कैदर पदों के लिए जो लोअर लेवल जॉब्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा वेतन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको हम इसी तरीके से करते हैं कि आमूमन तौर पे इनका रेट क्या चल रहा है मार्केट में किस प्रकार से ये अवेलेबल होंगे उसी रेट पर आप इनको आगे सैलरी या वेजेस देते हैं किसी संगठन के लिए बाज़ार दर पर वेतन का भुगतान करने के कई कारण हैं जैसे प्रतिस्पर्धा और बाज़ार में ब्रेन ड्रेन की प्रथा प्रचलित है जैसे ब्रेन ड्रेन का क्या रीज़न है ब्रेन ड्रेन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के लोग अगर उनको बढ़िया पैकेज नहीं मिलता है बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं तो वो हमारे यहाँ से छोड़ के दूसरे देशों में दूसरे विदेशों में जाके नौकरियाँ करते हैं तो ये जो रीज़न्स हैं ऑर्गेनाइजेशन का कि कॉम्पिटिटिव प्राइस हम उनको दें ताकि ये जो ब्रेन ड्रेन जैसी जो चीज़ें चल रही हैं वो रोक सकें और अपने बढ़िया टैलेंट को हम अपने यहाँ पर ही नौकरियां दे सकें अलावा कुछ कानून के न्यूनतम मजदूरी समान काम करने के लिए समान वेतन के सिद्धांत हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज़ हैं जिसमें हमें मिनिमम वेजेस या इक्वल वेजेस और वर इक्वल वर्क को ध्यान में रखते हुए अपने वेज का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें भी आपके वेज और वेज एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इसके अलावा उत्पादकर्ता प्रोडक्टिविटी कैसी है उत्पादकर्ता को प्रति व्यक्ति घंटे उत्पादन के संदर्भ में मापा जाता है ये कई कारकों का परिणाम है जैसे प्रौद्योगिक श्रम प्रयास काम करने का तरीका प्रबंधन योगदान और समर्थन इत्यादि तो प्रोडक्टिविटी जो है वो मेजर की जाती है किस तरीके से आप आउटपुट दे रहे हैं आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ पर्सन पर आर इट रिज़ल्ट फ्राम सेवरल फैक्टर जैसे टेक्नोलॉजी कि, किस तकनीकी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को और इन्हांस करती हैं बढ़ाती हैं लेबर एफर्ट्स कितने हैं किस प्रकार से आप कार्य को कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन और सपोर्ट कैसा है तो वो सारी चीज़ें आपके वेतन को डिसाइड uh, करने में बहुत हद तक मदद करती हैं और प्रोडक्टिविटी हैज़ ऑलवेज़ रिमेन अ बेस फॉर दी वेज डिटर्मिनेशन सिंस इट अ बेस विच इज़ अपरेंटली जस्टिफिएबल एक्सेप्टेबल टू ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन आप किसी के प्रति कितना कार्य करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी वो बहुत हद तक किसी भी संगठन में ज़रूरी है एक मिनिमम वेज को तैयार करने में क्योंकि किसी भी कर्मचारी को जब आप संगठन में रखते हैं तो वो इसीलिए रखते हैं कि वो आपके लिए कार्य करे तो वो कितना कार्य आपको करके देखा कितना प्रोडक्टिव होगा आपके संगठन के लिए और संगठन में उसका उसका जो योगदान होगा वो कितना होगा उससे उस आप बहुत हद तक वेतन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इसके अलावा जीवन यापन की लागत कॉस्ट ऑफ़ लिविंग कॉस्ट ऑफ़ लिविंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है और फैक्टर है इसीलिए अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगहों पर कॉस्ट ऑफ़ लिविंग के वजह से जो वेतन है उसमें परिवर्तन भी आता है कुछ शहर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉस्ट ऑफ़ लिविंग बहुत महंगी होती है जहाँ पर आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं सो so डेफिनेटली ऐसी जगहों पर आपका जो वेज है आपका जो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसी प्रकार से किया जाएगा हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि जीवन यापन की प्रचलता लागत के अनुसार वेतन दरों में समायोजन होना चाहिए जीवन यापन की लागत में परिवर्तन व्यक्ति की क्रय शक्ति को प्रभावित करता है जैसे जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है और आज के टाइम पे जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रही है कॉस्ट ऑफ़ लिविंग लोगों की बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारे वेतनों में वृद्धि होने की ज़रूरत है और वेतनों को डिसाइड किया जाता है क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ़ लिविंग बढ़ रही है तो बहुत हद तक आपको कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि लानी पड़ेगी ताकि वो एक समान तरीके से जीवन को जी पाएं ट्रेड यूनियन ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ बेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑन दी वेज इशूज ट्रेड यूनियंस भी इस बात पर बहुत हद तक जोर देते हैं जब वो बार्गेनिंग करते हैं वेजेज और सैलरीज के पॉइंट पर वो इस बात पे जोर देते हैं कि आजकल महंगाई इतनी है और महंगाई की पूर्ति करने के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए अन्यथा लोगों के लिए मुश्किल होगी अपने जीवन को व्यापन करने में इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग पावर ट्रेड यूनियन वो एक ऐसी संगठन है जिसको आप कह सकते हैं जो लेबर मिलके बनाती है और एक युट हम जानते हैं एकता में शक्ति है तो ये जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं बट डिपेंड करता है कि उस संगठन में ट्रेड यूनियन की जो पावर है वो कैसी है अगर ये बहुत ज़्यादा मजबूती से अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली अपनी मांगे पूरी करने के लिए ये ज़्यादा वेतन तय कराते हैं और अगर इनकी पोजीशनिंग थोड़ी सी वीक है अगर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का रोल जो होता है वो ज़्यादा होता है वो अपने हिसाब से वेतन दरों को तय करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन रोल uh, है या ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग पावर कैसी है दोनों के बीच में जो बार्गेनिंग पावर है उसमें किसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग है उसके हिसाब से भी वेतन एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क पड़ता है इसके अलावा जॉब रिक्वायरमेंट कैसी है फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव अप्रोप्रिएट जॉब एनालिसिस एंड जॉब एवेलुएशन एक्सरसाइज इज़ द बेस फॉर देश डिटर्मिनेशन एंड रिविजन इट इज ऑब्वियस ऑल्सो दैट वेजेज टू बी पे टू दी वर्कर्स शुड बी इन अकॉर्डिंग टू दी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एफर्ट्स लाइक टू बी पुट फॉर दी जॉब परफॉर्मेंस आपके जॉब की रिक्वायरमेंट कैसी किस प्रकार का कार्य आप उनसे कराना चाहते हैं उसका विश्लेषण आप करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन से जॉब इवेल्यूएशन से जॉब डिस्क्रिप्शन से और जब इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले लेते हैं आपको पता चलता है कि आपका जो कार्य है उसकी वर्थ क्या है उसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है संगठन में और उसको किस प्रकार से कार्य करना होगा तो इंडिविजुअल की उस पर्सन की स्किल्स का ध्यान में रखते हुए उसकी परफॉर्मेंस का ध्यान में रखते हुए आप उस कार्य की वेतन को डिटरमाइन करते हैं वेज और कंपनसेशन पैकेज इन अकॉर्डेंस विद दी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन जो वेतन है वो इस प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार से उसको कार्य आप कराना चाहते हैं उसकी वर्थ जितनी है उसके अकॉर्डेंस होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि आप उसको वेतन बहुत कम कर रहे हैं और उससे कार्य उच्च स्तर का करा रहे हैं अगर आप उच्च स्तर का कार्य करा रहे हैं तो उसके वेतन में भी उसी प्रकार से आप आ, डिटर्मिनेशन करेंगे इसके अलावा मैनेजमेंट का रवैया कैसा है जो प्रबंधन है उसका रवैया किस प्रकार से है एक होता है एबिलिटी एक होता है आपका रवैया तो नियुक्त या प्रबंधन का रवैया संगठन के काम काजी समुदाय पर हावी होता है और उचित समय पर वेतन निर्धारण और शोषण पर प्रभाव डालता है अगर आपके मैनेजमेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है और अगर वो समझते हैं कि कर्मचारी को एक अच्छा वेतन मिलना चाहिए और उसके कार्य के लिए उसको सहारना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके द्वारा जो एम्प्लॉई हमेशा मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड फील करता है अपने कार्य में तो ऐसी वर्किंग कम्युनिटी के लिए आप बढ़िया और अच्छा एक वेतन देते हैं बहुत सारे मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने में भी बिलीव करते हैं वो जानते हैं कि ये कर्मचारी ही हैं जिसकी वजह से संगठन आगे बढ़ता है और संगठन में हमें ग्रोथ और सक्सेस मिलती है तो अगर हम इनके साथ अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और उन्हें जोड़ते हैं अपने साथ तो आज ये हमारे आ, के लिए और बेहतर काम करेंगे और हमारे संगठन को आगे ले जाने में मदद करेंगे लेकिन कई बार ही मैनेजमेंट का रवैया इसके ऑपोजिट भी होता है वो ये समझते हैं कि इनको अगर हम ज़्यादा वेतन देंगे तो इनका ज़्यादा दिमाग भी ख़राब हो सकता है और वो ये समझते हैं कि ये सारा जो बेनिफिट हो रहा है या जो सक्सेस मिल रही है ये हमारी मेहनत है इनको उतना ही दें जितने दर पे इनको रखा गया है तो मैनेजमेंट का रवैया कैसा है उनका एटीट्यूड कैसा है एम्प्लॉय के प्रति वो भी बहुत हद तक इस पर प्रभाव डालेगा इसके अलावा साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति वेतन और मुआवजा पैकेज को जीवन में सफलता या असफलता का एक मात्र मापदंड मानता है ये बहुत जरूरी है लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है लोगों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो ये समझते हैं कि आज हम कितना वेतन कमा रहे हैं अपनी पोजीशन को अपने सक्सेस को वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर उन्हें अच्छा वेतन मिल रहा है तो उन्होंने जीवन में सफलताएं प्राप्त की हैं और एक समय तक अगर उन्हें अच्छा वेतन नहीं मिलता है और अब कम वेतन पे काम करते हैं उन्हें लगता है कि जीवन में बहुत कुछ हासिल करना अभी बाकी है तो उनकी मनोवैज्ञानिक रूप को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका वेतन इस प्रकार से तय करें ताकि वो अपने आप को इस कटघरे में ना खड़ा करें कि वो असफल हैं या सफल हैं उनके भागीदारी और उनके जुड़ाव के हिसाब से उनके प्राइड और उनके मॉरल और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए और उनके काम में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रकार से वेतन की एडमिनिस्ट्रेशन करें कि उनको ये सारी चीज़ें सेटिस्फैक्शन दें इसके साथ ही बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी हैं सोशल फैक्टर जिसे हम सामाजिक और नैतिक रूप से भी लोगों को लगता है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए लोगों को ये लगता है कि इक्वल वेजेस होने चाहिए इक्वल सॉर्ट ऑफ वर्क के लिए ऐसा ना हो कि आप एक जैसे कार्य के लिए अलग अलग वेतन लोगों को दें इससे उनके मन में कहीं ना कहीं डिसटिस्फैक्शन होगा और वो चाहते हैं कि उनके वेतन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर सेक्स रिलीजन इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए जब वो वेतन को ध्यान वेतन को डिटरमाइन करें उनके रिलीजन को उनके कल्चर को इन सारे आस्पेक्ट्स को बीच में ना लाया जाए और सामान्य कार्य के लिए सबको समान तौर पर वेतन दिया जाए आमूमन ये वुमेंस के लिए महिलाओं के लिए ज़्यादातर है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है आदमियों औरतों और के वेतन के लिए जबकि आज के टाइम पर हम सब लोग तो ये मान के चलते हैं कि सब बराबर हैं तो सब सब बराबर वेतन के ही अधिकारी हैं इसके अलावा विद्या विचार क्या होते हैं लेजिस्लेटिव कंसिडरेशन जो हमारे विधान हैं संविधान हैं उनका हमें बहुत हद तक ध्यान रखना पड़ता है कि जो सरकार है उसने क्या नियम लगाए हुए हैं क्या वेज पॉलिसीज़ हैं वेजेस एक्ट जो हैं उनको हमें समझना होगा जैसे कि लेजिस्लेशन लाइक मिनिमम वेज एक्ट 1936 थर्टी सिक्स इसमें बहुत हद तक ये माना गया है और बताया गया है कि मिनिमम वेज रेट कितना होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन तो उसको हम ध्यान में रखते हुए ही वेज और सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिनको जिनकी बात हमने करी जिनकी वजह से संगठन में जब भी हम वेतन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जब उसको हम तय करते हैं तो इन सारे ही एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना होता है क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है इसमें आगे अब हम बात करेंगे मेथड्स की वेतन भुगतान के तरीके क्या हैं किस प्रकार से हम वेतन का भुगतान कर सकते हैं इसमें तीन तरीके हैं जो हम आगे बात करेंगे जिन पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसमें टाइम रेट वेज सिस्टम जिसको हम समय दर वेतन प्रणाली भी कहते हैं उसके बाद हमारा पीस रेट वेज सिस्टम है टुकड़ा दर वेतन प्रणाली और तीसरा है हमारा बैलेंस एंड अं डेबिट सिस्टम इन सारे ही सिस्टम को हम विस्तार में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से वेतन अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है वेतन का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है संगठनों में तो इसको करने से पहले हम बात करते हैं वेज मेथड की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं किसी भी मेथड को हम फॉलो करें चाहे वो टाइम वेज हो चाहे वो पीस वेज हो चाहे इन दोनों का मिक्स मेथड हो उसको करने से पहले हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है उसमें सबसे पहले है कि हमारा ये सरल और समझने योग्य होना चाहिए कोई भी मेथड हम यूज़ करें किसी भी तरीके से हम वेतन वितरण करें लेकिन ऐसा मेथड हो हमारा जो समझने में और सरल हो योग्य हो समझने के ये आसान गणना करने में समक्ष होना चाहिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए जिसमें कर्मचारी ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाए कि उसको कार्य करने का कितना पैसा मिल रहा है या संगठन को मुश्किल आए ये देखने में कि किस प्रकार से इनका वेतन हमें वितरण करना है तो ये आसान होना चाहिए कैलकुलेट करने में तीसरा हम कह रहे हैं ये कर्मचारी को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए जिस भी मैथड को आप फॉलो करें ऐसा मैथड हो जो आपके कर्मचारियों को मोटिवेट करे प्रेरित करे ऐसा ना लगे कि हमने काम किया और काम करने में से ये ये क्या मिला हमें हमें इसका तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा या हमें कुछ इससे मोटिवेशन ही नहीं हो रहा तो वेतन कर देने का तरीका ऐसा हो कि उसका जो मनोबल है उसका जो प्रेरित रहना चाहिए उसको मोटिवेटिंग लगना चाहिए कि हमने जो कार्य किया उसके हिसाब से हमें वेतन मिल गया यह संगठन में नई प्रतिभाओं के लिए पर्याप्त आकर्षक होना चाहिए इट शुड बी अट्रैक्टिव इनफ फॉर द न्यू टैलेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप इस तरीके से कोई मैथड यूज करें या इस तरीके से वेतन का वितरण करें कि ये नए लोगों को आकर्षित करने में मदद करे जैसा आप अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉयिज़ हैं जो कार्य कर रहे हैं इस समय उनको वेतन देंगे उसी प्रकार से आपके मार्केट में वो इमेज सेट हो जाएगी और उसी तरीके से लोग आपके संगठन में कार्य करने के लिए आकर्षित होंगे ये सभी कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष उचित और स्थिर होना चाहिए सभी के लिए फेयर होना चाहिए जस्टिफाइड होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए इसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होने चाहिए सबके लिए समानता और सामान्य रूप से ये कार्य करना चाहिए तो वेज मैथड के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक आवश्यकता हैं वो ये हैं अब हम बात करते हैं मेथड्स की जैसे हमने कहा कि इसमें तीन मेथड्स हैं सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम वेज सिस्टम की जिसमें हम समय दर वेत प्रणाली को वेतन प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं तो पहले जानते हैं कि ये है क्या किस प्रकार से हम समय वेतन प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं ये एक सबसे पुराना एक सिंपल तरीका है एक वेज को फिक्स करने के लिए समय के बेसिस पर टाइम के बेसिस पर आप क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं कि कितने समय बाद आप वेतन का वितरण करेंगे इस प्रणाली के अंतर्गत श्रमिकों को प्रति घंटे प्रतिदिन प्रति सप्ताह प्रति पखावाड़े या प्रति माह या किसी अन्य निश्चित अवधि के दर से एक निश्चित अवधि के दौरान किए गए काम के अनुसार भुगतान किया जाता है तो इसमें आप पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं कितने टाइम पीरियड के बाद आप इसका पेमेंट करेंगे पर आर के बेसिस पे करते हैं पर डे के बेसिस पे पर वीक के बेसिस पे फोर्थ नाइटली करते हैं या मंथली करते हैं तो वह आप पहले से ही एक पीरियड फिक्स कर लेते हैं और उस पीरियड के फिक्सेशन के बाद आप उसका पेमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नॉट मोर देन वन मंथ मट एलैप्स बिटवीन टू वेज पीरियड दो वेजेस के बीच में एक महीने से ज्यादा का अंतर नहीं आना चाहिए तो मैक्सिमम जो हम पेमेंट करते हैं या जो टाइम फिक्स करते हैं दैट शुड बी ऑफ अ मंथ एज पर दी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 सभी परिश परिश्रमी प्रणाली उत्पादन इकाइयों को ध्यान में रखे बिना श्रमिक प्रशिक्षण के आधार के रूप में समय को अपनाती हैं कर्मचारी को समय की एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित धनराशि की गारंटी दी जाती है जिसमें किए गए कार्य की गुणवत्ता या मात्रा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है इस सिस्टम में बेसिकली आप क्या करते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से उनका पेमेंट करते हैं जो आपने उसको तय कर दिया है और एक पर्टिकुलर अमाउंट भी आपका फिक्स हो जाता है कि आप उसको इस पीरियड के बाद कितना अमाउंट पे करेंगे क्या सैलरी क्या वेतन आप उसका वितरण करेंगे इसमें उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य का कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाता है सच उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि उसने पर आर कितना काम किया या पर मंथ में उसने स्पेसिफिकली कितनी चीज़ों का उत्पादन किया आप बस एक समय और एक अमाउंट तय कर लेते हैं जिसके हिसाब से आप उसके वेतन का वितरण करते हैं आइए बात करते हैं मैरिट्स की गुणों की अगर हम ये मेथड अपनाते हैं अगर हम अपने संगठन में टाइम वेज के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं जैसे हमने कहा ये सरल और समझने योग्य है और ये वेतन की गणना के लिए एक आसान तरीका है क्योंकि इस प्रणाली के तहत वेतन एक कर्मचारी द्वारा प्रति घंटा या काम किए गए घंटों के बराबर होता है ठीक है तो इसको समझने में हमें आसानी होती है और इसको कैलकुलेट करने में बहुत इजी रहता है तो ये एक इसका बेनिफिट है दूसरा हमने कहा देर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर द कम्पलीशन ऑफ जॉब आपका जो कार्य है उसका एज सच कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है वर्कर्स आर नॉट इन हरी टू फिनिश इट एंड दिस मे मीन दैट दे मे पे इनफ अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ वर्क इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ मशीनरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एन एन ऑप्टिमम मैनर इसका मतलब ये है कि जब वो जल्दी में नहीं होते हैं और उनको मालूम है कि अपने कार्य को वो पर्याप्त समय दे सकते हैं क्योंकि एक समय के बाद उनको उतना वेतन वितरण होगा हो ही होगा जितना कि डिटरमाइन हो चुका है पहले से तो अपने कार्य पे ज़्यादा ध्यान से कार्य कर सकते हैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और जो भी कार्य करने के लिए जो संसाधन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें आप वो बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करेंगे तो डैमेज होने के चांसेस यहाँ पर कम रहते हैं अगेन जो संगठन के कॉस्ट को बचाने में मदद करती है इसके अलावा इस मेथड का जो एडवांटेज है वो ये है ऑल वर्कर्स आर गिवन सेम ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वल वेज पेमेंट सो ग्रीवियंस इल विल जेलसी कैन बी अवॉइडेड अमंग दैम क्योंकि यहाँ पर समान कार्य के लिए उन्हें समान तरीके से वेतन दिया जाता है इसलिए उनके मन में कोई भी ग्रीवियंस नहीं है कोई भी उनके मन में देश नहीं है कोई इनके बीच में एक दूसरे से ईर्षा नहीं है कोई जेलसी नहीं है कोई इस तरीके की बात इनके मन में धारण नहीं करती है कि इसको ज़्यादा मिल रहा है इसको कम मिल रहा है सभी को सामान्य कार्य से सब सामान्य कार्य के लिए समान तरीके का वेतन मिलता है तो ये संतुष्ट होकर अपने कार्य को करते हैं टाइम रेट सिस्टम प्रोवाइड्स रेगुलर एंड स्टेबल इनकम टू दी वर्कर्स सो दैट दे कैन एडजस्ट एंड मैनेजर वर्ड बजट अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि इसमें उनको कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक समय के बाद उन्हें इतना वेतन मिलेगा ही मिलेगा और जब उनको निर्धारित रहता है कि समय के बाद इतना वेतन होगा तो वो अपने जीवन का जो खर्चा है वो इसी हिसाब से बजटिंग कर लेते हैं अपनी क्योंकि उनको किस प्रकार से अपने खर्चे तय करने हैं कभी कम मिलता है कभी ज्यादा मिलता है तो वो एक बजट नहीं बना पाते और जब समान रूप से आपके वेतन का आपकी सैलरी का आपको मालूम है कि एक महीने बाद आपको इतना वेतन पर्याप्त होगा उसी हिसाब से आप अपने खर्चों का भी वितरण कर पाते हैं इसमें क्रम प्रशासन ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये प्रणाली नियुक्त और कर्मचारी के बीच अच्छा विश्वास और आपसी समझ और विश्वास प्रदान करती है ये इस इस पर्टिकुलर मेथड में लेस एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा आपको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये सिस्टम एक एक तरीके का एक फेयर ट्रस्ट डेवलप करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कि वो कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के बाद हमें इतना वेतन मिलेगा इसके बाद हम बात करते हैं डीमैरिट्स की जैसा हमने कहा कि किसी चीज़ की विशेषताएं होती हैं कुछ गुण होते हैं तो उसमें कुछ अवगुण भी होते हैं ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट स्पीच सिस्टम ही सबसे बेहतर है अगर हम समय के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें हमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसा कि इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट दी एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ दी वर्कर सो दी स्किलफुल एंड मोर कैपेबल वर्कर्स हु हैव हायर प्रोडक्शन एफिशेंसी विल डीमोरलाइज इस केस में होता क्या है कि जो बहुत अच्छे कर्मचारी हैं जिनमें ज़्यादा क्षमताएं हैं जो ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं उनको यहाँ पर कुछ अलग से बेनिफिट नहीं मिलता सामान्य रूप से जो लोग आराम से काम कर रहे हैं या जो धीरे कार्य करते हैं जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है उनको भी एक समय के बाद उतना ही वेतन दिया जा रहा है और जो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं और ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं उनको भी उतना ही दे दिया जाता है जिसकी वजह से वो डिमोरलाइज होते हैं और बढ़िया और ज़्यादा कार्य करने के लिए उन्हें लगता है कि हमें भी उतना ही मिलेगा तो क्या फ़ायदा ज़्यादा करने से और ज़्यादा मेहनत से दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है टाइम रेट सिस्टम इज़ अन रिलेटेड टू दी प्रोडक्टिविटी जैसा हमने इसके फ़ायदे में पढ़ा था क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी की कोई बात नहीं हो रही है तो लोग क्वालिटी पर और अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी पे इस पर ध्यान नहीं दिया जाता इट डज़ नॉट प्रोवाइड एक्स्ट्रा मोटिवेशन फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स बाय दी वर्कर उनको इस तरीके का कोई मोटिवेशन नहीं है कि अगर हम ज़्यादा कार्य कर लेंगे तो हमें इससे कोई बेनिफिट मिलेगा या हमें उससे कुछ अवार्ड मिलेगा तो लोग समान तौर पे उतना ही कार्य करते हैं जितना कि उनसे कहा गया है अगर वो ज़्यादा कर भी सकते हैं तो भी वो ज़्यादा करने की इच्छा नहीं रखते क्योंकि उनको मालूम है कि इससे उनको कोई अलग से बेनिफिट नहीं होगा डिलेबर चार्जेस फॉर दी पर्टिकुलर जॉब डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट दिस पुट द मैनेजमेंट इन द डिफिकल्ट पोजीशन इन द मैटर ऑफ कोटिंग रेट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क जैसे किसी विशेष कार्य के लिए श्रम शुल्क जो होता है वो निर्धारित स्थिर नहीं रहता कांस्टेंट नहीं रहता लेबर चार्जेस जो हैं तो इसकी वजह से जो मैनेजमेंट जो है वो डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाती है कि अलग अलग कार्य के लिए कैसे वो अलग अलग वेतन का वितरण करें इसके साथ ही इसके डिमेरिट्स ये कहते हैं दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक इवेजन ऑफ वर्क बाय दी वर्कर सिंस देयर इज नो स्पेसिफिक टारगेट और डिमांड फॉर स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ वर्क बाय द मैनेजमेंट तो यहाँ पर क्या है क्योंकि ये भी हो सकता है कि लोग कार्य अपना सही प्रकार से ना करें और बल्कि कम करें क्योंकि उन्हें मालूम है कोई स्पेसिफिक टारगेट्स हैं नहीं कोई डिमांड है नहीं प्रोडक्टिविटी कोई चेक नहीं कर रहा तो धीरे धीरे जो एम्प्लॉज हैं जो कर्मचारी हैं वो और लथार्जिक वे में काम को करते हैं और काम से बचने की कोशिश करते हैं उन्हें लगता है कि ज़्यादा कार्य करके क्या करना है वैसे भी तनख्वाह तो मिलनी ही है इतनी मिली जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नहीं रहते और अपने कार्य को बहुत ही ज़्यादा इजी गोइंग वे में और लाइटली वे में करने लगते हैं टाइम रेट सिस्टम डज नॉट आज फॉर मेंटेनिंग इंडिविजुअल वर्क रिकॉर्ड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द इम्प्लॉयज टू डिटरमाइन हिज रिलेटिव एफिशियंसी फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस इवेलुएशन फॉर फ्यूचर प्रमोशन और रिवॉर्ड्स डज इट डज़ इन जस्टिस टू दी आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज क्योंकि इस इस तरीके के मैथड uh, में आप इंडिविजुअल का कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं उसकी कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं हो रहा है ये नहीं देखा जा रहा कि वो किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ को आती है जिनके अंदर ज़्यादा क्षमताएँ हैं ज़्यादा केपेबलिटीज़ हैं ज़्यादा पोटेंशियल हैं कार्य को करने के लिए उनको ये जो मैथड है वो पसंद नहीं आता और उनकी इन सारी आस्पेक्ट्स का उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता तो ये हमारे कुछ डिमेरिट्स है टाइम वेज सिस्टम के चलिए आगे बात करते हैं इसकी सुटेबिलिटी की ये किस तरह के संगठन में उपयोगी होता है कहाँ पर हमें इस तरीके के मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए तो टाइम रेट सिस्टम इज सुटेबल व्हेन दी आउटपुट कंट्रीब्यूशन बाय दी वर्कर इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एन इंडिविजुअल बेसिस इट इज़ आल्सो सुटेबल बाय व्हेन बाय कल्टीवेटिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड बाय गिविंग फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल दी इम्प्लॉयज मैनेजमेंट कैन गेट दी वर्क डन इन एन अप्रोप्रिएट मैनर ये उन संगठन के लिए बेहतर रहेगा जहाँ पर इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना जाना आप एक जैसे जॉब के लिए सामान्य रूप से आप कार्य वेतन देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे फेयरनेस बनी रहे उस जगह पर उन संगठनों के लिए ये टाइम वेज पेमेंट सिस्टम बढ़िया रहता है इसके आगे हम बात करते हैं पीस रेट वेज सिस्टम की जिसको हम टुकड़ा दर वेतन प्रणाली कहते हैं इसमें इसके ऑपोजिट है ये जैसे हमने कहा कि वहाँ पर टाइम के बेसिस पे पेमेंट किया जाता है यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे पेमेंट करते हैं पीस के बेसिस पे बेसिस पे पेमेंट करते हैं कि उसने कितना कार्य किया है जितना कार्य करेगा उतना ही उसको वेतन प्राप्त होगा इस प्रणाली के तहत श्रमिकों के किए गए काम की मात्रा या उत्पादित या पूरी की गई इकाइयों की संख्या के अनुसार भुगतान किया जाता है और प्रत्येक इकाई की दर पहले से ही तय कर दी जाती है पहले ही बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर पीस को काम करने के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा चाहे काम करने में कितना भी समय लगे काम आप कब देरी से कर रहे हैं काम आप जल्दी कर रहे हैं वो आपकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट बना लेते हैं एक आउटपुट एक यूनिट उसकी प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसको आपको कितना वेतन दिया जाएगा ये पहले से ही निर्धारित किया जाता है तो जो ज़्यादा पोटेंशियल इम्प्लॉयज़ होते हैं जो ज़्यादा केपेबल होते हैं वो जल्दी जल्दी बना लेते हैं और उनको ज़्यादा वेतन प्राप्त हो जाता है और जो स्लो हैं जो धीरे बनाते हैं उनको उसी हिसाब से पेमेंट किया जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि श्रमिक को काम पूरा करने में कोई भी समय लग सकता है क्योंकि उसका प्रदर्शन उस समय से कई अधिक है जो उसके नियुक्त की उम्मीद है कि वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए ओवरहेड शुल्क बढ़ा दिया जाएगा इसका तात्पर्य यह है कि, कि किसी कार्यकर्ता को औसत से अधिक समय नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट सिस्टम में पीस वेज सिस्टम में टाइम का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है आप जितनी मर्जी जितना चाहें समय आप ले लें कार्य करने का भी एक निर्धारित समय भी होता है क्योंकि अगर आप उसको एक, एक अनलिमिटेड टाइम तक करते रहते हैं तो ओवर हेड एक्सपेंसिज भी आपके बढ़ते हैं इसलिए कार्य को जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपके पीस वेज के हिसाब से तो तैयार हो गया है बट उसको कार्य करने का एक समय भी ज़रूरी है कि कितनी देर में आप उस कार्य को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एक एवरेज टाइम से ज़्यादा आप ना लें अब बात करते हैं मैरिट्स की ये जो मेथड है इसके क्या एडवांटेजेस हैं तो सबसे प्रमुख एडवांटेज सिस्टम का यही है रिकॉग्निशन ऑफ मैरिट आप ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जो बेहतर कार्य कर पा रहे हैं जो एफिशिएंट है उसको आप रिवॉर्ड कर पा रहे हैं ज़्यादा वेतन देखें एंड देयर फॉर मोर सुटेबल देन दी टाइम रेट सिस्टम ये ऐसे लोगों के लिए बहुत सूटेबल है जहाँ आपको लगता है कि उनका कार्य बेहतर है और वो बेहतर आ, वेतन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनकी क्षमताएं ज़्यादा हैं उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है कार्य करने की वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं तो उनके लिए ये मेथड बहुत ही सूटेबल है दूसरा इट पेज वर्कर एज़ पर देयर एफिशिएंसीज ये उनको उसी हिसाब से पेमेंट कर रहा है जैसी उनकी एफिशिएंसीज हैं जैसी उनकी एबिलिटीज़ हैं कैपेसिटी है और परफॉर्मेंस है तो उनको एक डायरेक्ट स्ट्यूमलस मिलता है और मोटिवेशन मिलता है एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने में विच में रिजल्ट इन मोर प्रोडक्टिविटी तो जब वो बेहतर कार्य करते हैं तो उस बेहतर कार्य करने से उनको बेहतर वेतन मिल रहा है और जब ये बेहतर वेतन उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करता है और ज्यादा मोटिवेट करता है कि वो और बेहतर करते जाए तो मोटिवेशन लाने के लिए लोगों को और ज्यादा प्रेरित करने के लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है अगर आप चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन आपकी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़े तो आप इस तरीके के मेथड को ला सकते हैं इसमें क्रम के लिए प्रणवेशना की आवश्यकता होती है क्योंकि कुल परिश्रमी उत्पादन इकाइयों पर निर्भर करता है और ना कि संगठन में बताए गए समय पर तो ये इट रिक्वायर्स लेस मैनेजर सुपरविजन एज द टोटल रेव्यूनिएशन डिपेंड्स अपॉन दी यूनिट टू तो बी प्रोड्यूस तो इस वाले मेथड में आपको सुपरविज़न भी कम करना है आपको बस कर्मचारी को बताना है कि उसको कितना उत्पादन करना है और उत्पादन करने के लिए वेतन कितना दिया जाएगा अब वो ज़्यादा समय लगाएगा तो वेतन कम कमा पाएगा अगर वो जल्दी कर पाएगा तो जल्दी वेतन कमा पाएगा तो ऐसे कर्मचारियों को सुपरवाइज करने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अगर वो ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा कमाना चाहते हैं ज्यादा वेतन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो ज्यादा कार्य करेंगे और अपना समय बर्बादी कम करेंगे कंटिन्यू करते हैं मैरिट्स को बींग इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूटी ऑफ वर्क अ वर्कमैन इज लाइकली टू टेक अ ग्रेटर केयर टू प्रिवेंट बैकडाउन इन दी मशीनरी और इन दी वर्कशॉप इट इज अगेन टू द मैनेजमेंट सिंस इट रिड्यूस मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इसमें बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि उनके कार्य में रुकावट नहीं आए क्योंकि अगर उनके कार्य में रुकावट आ जाएगी जिन संसाधनों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी वो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें कोई रुकावट नहीं आए और अगर रुकावट आएगी तो उनके लिए ही नुकसानदेह होगा उनका उस समय का जो आ, समय है वो बर्बाद होगा और उस समय को वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो इससे संगठनों को भी बेनिफिट मिलता है वो भी इससे फ़ायदे में रहती हैं क्योंकि उनको मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता एज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन फिक्स एंड कॉन्स्टेंट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट वाइल फिक्सिंग टेंडर्स एंड एस्टिमेशन बिकम ईजियर क्योंकि यहाँ पर फिक्स और कॉन्स्टेंट का जो एक रेशियो है वो तय कर दिया जाता है तो इसमें आपके जो एस्टिमेशनस हैं जो जो आपको पेमेंट करना है इसके टेंडर्स जो आपको देने हैं वो भी आपके लिए आसान हो जाते हैं and it results in two not only increase in the output and wages but the method of production two are also improved and workers demand material and tools free from defect and machinery in perfect operating condition to aapke jo karmchari hai jaisa humne kaha output ko aur wages ko dono ko badha pate hain is method se production ka jo tarika hai wo bhi improved hota hai और आपके जो workers हैं वो अपने materials को अपने tools को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी जो condition है ऑपरेटिंग कंडीशंस वो बेहतर रहती है आइए बात करते हैं डीमारिट्स की जैसा हमने कहा कि पीस वेज सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है इसके हमने गुणों को देखा अब हम इसके कुछ अवगुणों के बारे में बात करेंगे इफ रेट्स ऑफ वेजेस आर नॉट सफिशियंटली फिक्स एंड एक्सेप्टेबल टू दी वर्कर वुड रिजल्ट इन टू वर्कर्स एक्सप्लाइटेशन एंड मे प्रूफ काउंटर प्रोडक्शन अगर आपने इसका वेज सिस्टम सही प्रकार से नहीं किया है अगर वो सिस्टम श्रमिकों को स्वीकारनीय नहीं है अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम होगा वो उसके अलग हो सकता है एक्सप्लाइटेशन के रूप में जा सकता है और कहीं ना कहीं वो काउंटर प्रोडक्शन में आ सकते हैं जो कि संगठन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा एज वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन द कम्पलीशन ऑफ जॉब विद द ग्रेटर स्पीड में डैमेज दी मशीनरी क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड मे इंक्रीज दी रेट ऑफ हजार्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज़ को हमने मेरिट में भी डिस्कस किया था वहीं हम आप इसको अवगुण के तौर पे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्कर अपने कार्य को करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं उन्हें लगता है कि जितना जल्दी वो कार्य करेंगे उतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर पाएंगे और उतना ज़्यादा वो वितरण वेतन उनको मिल पाएगा तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं अपनी जो मशीनरीज़ हैं अपने कार्य को बहुत जल्दी जल्दी करने की वजह से उसको बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं क्वालिटी जो है वो डिस्टॉर्ट होती है और इसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो खतरों की वृद्धि है वो ज्यादा होती है ट्रेड यूनियन जनरली डू नॉट लाइक द सिस्टम ऑफ पेज वेज पेमेंट दे मे नॉट हैव फुल सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस दे मे बी मेजर इश्यूज फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो आपके लेबर यूनियंस होते हैं ट्रेड यूनियंस होते हैं वो जनरली इस मेथड को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो वर्कर्स हैं वो सामान तरह से सभी प्रकार के होते हैं कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं कुछ कम प्रोडक्टिव होते हैं तो इसमें उनके अंदर भेदभाव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अब बात करते हैं इस मेथड की सूटेबिलिटी की अगर हम पीस वेज की बात कर रहे हैं तो पीस वेज मेथड किन किन जगह पर ये सुटेबल रहता है इसे आम तौर पर दोहराव वाली प्रकृति की नौकरियों में पेश किया जाना चाहिए जब कार्य को आसानी से मापा निरीक्षण और गिना जा सके ये मानकृति प्रक्रियाओं के लिए व्यवहारिक रूप से उपयुक्त है और ये कौशल और कुशल श्रमिकों को आकर्षित करता है जो अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर काम करके अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं तो ये वहाँ जहाँ पर अच्छा है जहाँ पर जॉब जो है वो रिपीटेटिव नेचर का है और आप अपने कार्य को बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं इंस्पेक्ट कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं और ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो ज़्यादा वेतन करना चाहते हैं ज़्यादा वेतन प्राप्त करना चाहते हैं अपनी कैपेसिटीज़ और पोटेंशियल को शो करके तो ऐसे एम्प्लॉज़ को ये अट्रैक्ट करता है जो बहुत स्किल्ड और एफिशिएंट हैं जो अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं ज़्यादा अच्छे से कार्य करके अब बात करते हैं तीसरे मेथड की जिसको हम नाम दे रहे हैं बैलेंस एंड डेबिट सिस्टम बैलेंस और डेबिट सिस्टम जो है वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए पिछले दो मैथड का ही ये मिक्सचर है इसमें हम क्या कर रहे हैं टाइम वेज और पीस वेज दोनों को ही मिक्स कर रहे हैं कंबाइन कर देते हैं हम टाइम और पीस वेज सिस्टम को और इसमें हम तय कर देते हैं कि हम एक मिनिमम समय तक कितना पेमेंट करेंगे और उसके बाद अगर आप इसमें कुछ और प्रोडक्शन करते हैं या कुछ और आप ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस करते हैं तो उसके हिसाब से आपको पीस वेज का भी पेमेंट मिलेगा तो डिपेंड करेगा वर्कर्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि एक निर्धारित समय तक तो आपको उतना पैसा मिलेगा एक एक टारगेट एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया लेकिन अगर उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा आप अचीव कर लेते हैं और ज़्यादा अगर आप गेन कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे आपको जितना आपने किया है वो आपको मिलेगा तो ज़्यादातर जो संगठन हैं वो इसी मेथड का इस्तेमाल करती हैं आज के टाइम पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और लोगों को इन इंसेंटिव्स और उनको बेहतर कंपनसेशन देने के लिए टारगेट्स बना दिए जाते हैं और कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट्स को पूरा कर लेते हैं या टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं तो उसके हिसाब से उनको और ज़्यादा वेतन दिया जाता है तो ये दोनों ही प्रकार के एम्प्लॉयज़ के लिए ठीक है जो ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं जिनके अंदर ज़्यादा कैपेसिटीज और स्किल्स हैं उनको बेहतर मौका देती हैं ये ज़्यादा वेतन प्राप्त करने के लिए और जो लोग जिनको लगता है कि नहीं एक समय के साथ कार्य करने के बाद उनको इतना वेतन समय के बाद मिल जाना चाहिए एक निर्धारित वेतन उनको मिलना चाहिए उनके लिए भी ये मैथड सूटेबल है तो जैसा हमने दोनों ही मैथड्स uh, के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने पढ़ा गुण और अवगुण को हमने देखा तो उनके गुणों को हम इसमें मिला रहे हैं और अवगुणों को हम इसमें से रिमूव करते हैं जब हम इन दोनों मैथड्स को कम्बाइन कर देते हैं चलिए जानते हैं प्रोसेस को वेज डिटर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है इसकी क्या प्रक्रिया है तो इसके बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जब भी हम वेज को डिटर्मिनाइन करेंगे तो हमें जॉब को एनालाइज करना है किस प्रकार की हमारे यहाँ नौकरी है उसकी रिलेटिव वर्थ को हमें देखना है उसके बाद हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को बनाना है वेज का सर्वे करना है वेज स्ट्रक्चर बनाना है और उससे रिलेटेड रूल्स पॉलिसीज को हमें निर्धारित करना है तो जानते हैं जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवेल्यूएशन के बारे में जॉब जॉब एनालिसिस जैसा कि आप जानते हैं कार्य का विश्लेषण कभी भी जब आप वेतन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वेतन का डिटर्मिनेशन करते हैं तो सबसे पहला कार्य इसमें आपका जॉब एनालिसिस ही होता है जिसमें आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि कार्य किस प्रकार का है उस कार्य पे किए जाने जो हवाले आपकी जो ड्यूटीज हैं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी किस तरीके के स्किल्स की जरूरत है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का आपको पूर्णता ज्ञान होना चाहिए अगर आप नहीं जानते कार्य किस प्रकार से है तो वेतन आप कभी भी सही प्रकार से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इसके साथ साथ आपको जॉब इवेल्युएट करना है उसकी वर्थ कितनी है उसका उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में उसके होने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा तो उसके लिए आपको नौकरी का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है जब आप इन दोनों चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपके कार्य के विश्लेषण क्या है और नौकरी की जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से है आप सही प्रकार से वेतन का एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने जॉब इवेल्युएशन और जॉब एनालिसिस uh, के साथ जोड़ दिया है इसके आगे आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और वेद सर्वे करते हैं डिटरमाइन करते हैं कि कार्य को काफी विस्तार से समझने के बाद कलाकार द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित प्रदर्श प्रदर्शक मानक मानक को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है जिसमें आप जॉब को डिटेल में समझने के बाद डिटरमाइन करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं आप क्या चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज से कि वो किस प्रकार से कार्य करें क्या परफॉर्मेंस आप उनसे चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सर्वे वेज रेट्स प्रिवेल इन दी मार्केट फॉर दी सेम काइंड ऑफ जॉब मार्केट में क्या रेट चल रहा है गोइंग रेट क्या है उस तरीके के कार्य करने के लिए सो दैट अट्रैक्टिव कंपनसेशन कैन बी डिज़ाइन टू इंड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर दी जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन जब आप ये देख लेते हैं कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर वेच करना डिटर्मिनेशन करते हैं और ये आपको मदद करता है कि आप अच्छे एम्प्लॉज़ को प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाएं हेयर केयर शुड बी टेकन दैट वेज स्ट्रक्चर शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कम्प्लेक्सिटी एंड एफर्ट्स नीडेड इन दी परफॉर्मेंस जब आप वेतन का डिटर्मिनेशन करें तो आप ये ध्यान रखें कि इस कार्य को करने में क्या मुश्किलों का कितने एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि आप एक जस्टिफाइड अमाउंट उनके लिए तय कर पाए और आखिरकार हम डिसाइड करते हैं वेज स्ट्रक्चर को इसके रूल्स को किस तरीके से हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे तो संगठन को वेतन संचारण डिज़ाइन करनी चाहिए जिसमें किसी कर्मचारी को दी जाने वाली अन्य वित्त और गैर वित्त सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए मूल या न्यूनतम वेतन प्रोत्साहन एक अवधि में वेतन वृद्धि के लिए स्लैब शामिल हो आप वेज डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी बनाते हैं ना केवल उनको सैलरी देना बट उनको क्या इंसेंटिव क्या कंपनसेशन आप पे करेंगे मिनिमम वेजेस क्या होंगे इंक्रीमेंट्स उनके कब कब होंगे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप उनको कब क्या देंगे ये बहुत हद तक एक वेतन एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूरी है ताकि इम्प्लॉयज़ को एक पूरा ओवरऑल कंपनसेशन पैकेज आप प्रोवाइड कर सकें सो टाइम शुड बी मेड टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस होना चाहिए इक्वालिटी होनी चाहिए जस्टिस होना चाहिए ताकि आप एक ट्रांसपेरेंसी के साथ वेज स्ट्रक्चर को डिसाइड करें और रूल्स जो हैं उनको प्रोवोक ना करें आप शुड नॉट प्रोवोक अनजस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर अदरवाइज इट मे प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव एंड मे गिव राइज टू ग्रीवियां एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर आप चाहते हैं आपके संगठन में आपसी प्यार बना रहे बेहतर रिलेशनशिप्स बने रहें लोग जो हैं वो आपके संतुष्ट रहें कार्य कर्मचारी आपके मोटिवेट रहे उनका मुराल बढ़ा रहे तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन की पॉलिसी को ऐसा बनाएं जो फेयर हो ट्रांसपेरेंट हो जस्टिफेबल हो इक्वल हो और लोगों को कहीं मन में कोई द्वेष पैदा ना करे तो इन सारी चीज़ों के साथ ही आपका वेज डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो पूरा होता है इस व्याख्यान के कुछ सोर्सेज़ हैं हमने जो कंटेंट है इस व्याख्यान का किन किन किताबों से लिया है उसकी सूची यहाँ पर आपके सामने है इस व्याख्यान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू